हेलो फ्रेंड्स, आपण मानक स्वागत करुच्ची मो रोसई टाइम पास किचन को। आज मुयारी करी इटली आ चटनी। यह मो इटली राभा तैयारी करी। आसतु देखिया, ये मुन कप इटली राभा नहीं इटली सुजी। यह को भल भाव धोई प्रथम पा तार बाहर करदे पा तीन घंटापी बतुरे नहीं। मु देढ़ कप बिरी डाली नहीं, गोटे फुल कप एवं तार अधा ताकू भल भाव धोई ताकू पांच रु छ घंटा पाई बतुरे नहीं। पांच रु छ घंटा बतुरी सारिया परे ताकू गोटे स्मूथ पेस्ट रे बाटी नहीं। गोटे डायरेक्शन रे पांच रु दस मिनिट पाई भल भाव फेणी नवा। जहाद्वारा इटली बहुत सॉफ्ट होता है। देखो ये आमर बिरी डाली के सुंदर सॉफ्ट हो जाए तार कलर मध्य पूरा धला हो जाए। एबे जो इटली रो राभा जो बतुरे रखी थी ताकू दे दबा। एवं ताकू मध्य भल भाव गोले नबा। याकू सब बेले गोटे डायरेक्शन रे ही गोले। एबे एबे सेतिरे स्वाद अनुसार लुण दे ताकू पांच रु छ घंटा पाई फर्मेट हाँ पाई छाट नवा। चलतु आम प्रथम चटनी तैयारी करिबा। इटि मु गोटे कड़ाई गोटे पैन रे गोटे चामच बिरी डाली नहीं, हाफ चामच जीरा नहीं, गोटे कंचा लंका आपण आप इच्छा अनुसार लंका को ऐड करिबे, किसी भुसुंगा पत्र, गोटे पियाज एवं गोटे टमाटो दे ताकू दुई मिनिट पर्यंत मीडियम फ्लेम रे भाजी नवा। इटि मु याकु दुई मिनिट पर्यंत भाजी नहीं, थंडा हवा पाई छाड़ी दबा। इटि मु गोटे इटली स्टैंड रे को प्रथम ग्रीस कर नहीं। से इटली बैटर को दे दबा। इटली बैटर कम कम देवे कारण ता पुण फुल। एबे हाकु आठ रु दस मिनिट पाई सीझीबा पाई छाड़ देबा। आसंतु आमे चटनी करनबा। एठि मु गोटे कप भजा बादाम नेइछि एवं जे पियाज टमाटो को भाजी रखी थी ताकू आड कर देबा। एवं सेथिरे स्वाद अनुसार लुण एवं पानी दे तार गोटे स्मूथ पेस्ट करनबा। आपण जेतिकि पाणिया रखिया पाई चाहिए सेतिक करिवे। जदि मो वीडियो टी पसंद आसे ताले लाइक कमेंट शेयर करिया पाई जमार भी भूलिबे नाही। जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करना थे ताले प्लीज सब्सक्राइब करनेबे। आपण इच्छा मुताबक आपण पाणिया रखि पारिवे। सेतिरे हाफ चामच लेंबुर रस दे दीजि एवं ताकू भल भाव गोळै नबा। इटि मु गोटे तड़का पैन रे गोटे चामच तेल एवं हाफ चामच जीरा, हाफ चामच सोरिष, शुखिला लंका, किसी भुर्सुंगा पत्र एवं गोटे पिंच रंगु दे ताकू भाजी नहीं। तड़का रेडी गला। एबे हाकु चटनी उपरे ढाल दबा। इटि हमर चटनी रेडी हो जाए।
ଆଠରୁ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନବା ଇଟିଲି। ଏଠି ଆମର ଇଟିଲି ମଧ୍ୟ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଗରମ ଗରମ ଇଟିଲି ଆଉ ଚଟଣି। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପିରେ।